नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने कार्बी आंगलोंग में माजा पशु चिकित्सा महाविद्यालय, वेस्ट कार्बी आंगलोंग कृषि महाविद्यालय सहित 1000 करोड़ रुपए की कई योजनाओं की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि पशु चिकित्सा महाविद्यालय और कृषि महाविद्यालय से युवाओं और कृषि क्षेत्र को मिलेगा लाभ। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने किसानों के लिए खाद सब्सिडी बढ़ाने का लिया बड़ा फैसला। फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के लिए खरीफ सीजन के लिए करीब 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की मंजूरी। पिछले साल की तुलना में प्रति बैग सब्सिडी में 50% से अधिक की वृद्धि। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगाने के फैसले में आंशिक छूट। कृषि मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक कच्चे पाम ऑयल का निर्यात जारी रहेगा। भारत खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक देश। गेहूं के खेतों में आग लगने की घटनाओं से किसानों को हो रहा है भारी नुकसान। फसलों के नुकसान के साथ ही गांव में भी आग लगने की घटनाएं बढ़ी। कई जिला कृषि विभागों ने आग लगने की घटनाओं पर किसानों के लिए जारी किया दिशा निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्बी आंगलोंग में आयोजित एक कार्यक्रम में 2950 से अधिक अमृत सरोवर परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। ये राज्य इन अमृत सरोवरों को लगभग 1150 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित करेगा। प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर परियोजना से संबंधित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। पुस्तिका परियोजना से संबंधित जानकारी इसमें उपलब्ध होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 3 शिक्षण संस्थान की आधारशिला भी रखी। दीफू में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पश्चिमी कार्बी आंगलोंग डिग्री कॉलेज और पश्चिमी कार्बी आंगलोंग के कोलांगा में कृषि महाविद्यालय की आधारशिला रखी। 500 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत वाली इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज असम में भी 2600 से भी अधिक अमृत सरोवर बनाने का काम शुरू हो रहा है। ये सरोवरों का निर्माण पूरी तरह से जन भागीदारी पर आधारित है। ऐसे सरोवरों की तो जनजातीय समाज में एक समृद्ध परंपरा भी रही है। इससे गांव में पानी के भंडार तो बनेंगे ही, इसके साथ साथ ये कमाई के भी स्रोत बनेंगे। असम की स्थायी शांति और तेज विकास के उसके लिए जो समझौता हुआ था, उसको आज जमीन पर उतारने का काम तेज गति से चल रहा है। उस समझौते के तहत 1000 करोड़ रुपए के अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज यहां पर किया गया है। डिग्री कॉलेज हो, वेटरनरी कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, ये सारे संस्थान यहां के युवाओं को नए अवसर देने वाले हैं। ये सिर्फ किसी कॉलेज का, किसी महाविद्यालय का, किसी इंस्टीट्यूशन का शिलान्यास नहीं है, ये मेरे यहां के नौजवानों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। और बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों, जम्मू कश्मीर की ऊर्जा आत्मनिर्भरता, छोटे विक्रेताओं और नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में संचार व्यवस्था सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं सामने आई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अहम फैसले के तहत उर्वरक सब्सिडी में बढ़त का फैसला लिया।
खरीफ सत्र के लिए पोषक आधारित खाद सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में प्रति बैग सब्सिडी अब 5 गुना हो गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 60,938.23 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी प्रदान की है। 2013-14 में इस पर सब्सिडी 29,426 करोड़ रुपया थी, जो बढ़ाकर 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी डीएपी पर और पीएनके फर्टिलाइजर्स पर केवल खरीफ सीजन के लिए की गई। तो 2020-21 में डीएपी के एक बैग के ऊपर 512 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, जिसको 5 गुना वृद्धि करके 2501 रुपया इस वर्ष कर दिया गया है खरीफ के सीजन के लिए। सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू किए गए पीएम स्वनिधि योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी भी दी है, जिससे पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को अब बढ़ाकर 8,100 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इससे शहरी भारत के 1.2 करोड़ लोगों को सीधा फायदा होगा। इस योजना को अब बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि मार्च 2022 से दिसंबर 2024 तक इसको आगे बढ़ाया गया है। इसमें सारे ही कोलेट्रल फ्री लोन मिलते हैं और वो अफोर्डेबल भी होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को मंजूरी प्रदान की। परियोजना से 197.5 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और परियोजना के लिए 4,526.12 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। एनएचपीसी इसको बनाएगा, इसमें 51% हिस्सेदारी चिनाब वैली प्रोजेक्ट की रहेगी, जो इसकी सब्सिडी एनएचपीसी की, और बाकी जम्मू कश्मीर पावर कॉरपोरेशन का उसमें 49% हिस्सा रहेगा। इसके अलावा जो बाकी 3 प्रोजेक्ट किरू, पकलदुल और रातले, ये लगभग 3,000 मेगावाट कुल मिलाकर चारों प्रोजेक्ट बन जाएंगे। 23,000 करोड़ का इसके ऊपर निवेश आएगा। एक और अहम फैसले के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट और डेटा सेवाओं में सुधार के लिए 2G मोबाइल सेवाओं को 4G में अपग्रेड करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट ने भारतीय डाक भुगतान बैंक के लिए 820 करोड़ रुपए के वित्तीय समर्थन को मंजूरी दी है, जिससे सभी डाक शाखाओं पर बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हो सकेगा। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगाने के फैसले में आंशिक सुधार किया है। कृषि मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक कच्चे पाम ऑयल का निर्यात जारी रहेगा। निर्यात पर रोक सिर्फ रिफाइंड, ब्लीस्ड और डियोडराइज्ड पाम ऑयल पर लगेगा। भारत खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक है और अपनी ज़रूरत का 70% खाद्य तेल इंडोनेशिया से आयात करता है। इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल से पाम तेल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इसका ऐलान किया है। ये प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। पाम तेल पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय वनस्पति तेल है। दुनिया भर के करीब 50% घरेलू उत्पादों में इसका इस्तेमाल होता है। पाम तेल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल खाने के तेल की तरह होता है। शैम्पू, नहाने के साबुन, टूथपेस्ट, विटामिन की गोलियां, सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद, केक और चॉकलेट आदि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में मौजूद 2015-16 तक के डेटा के मुताबिक प्रति व्यक्ति पर हर साल 19.5 किलो खाद्य तेल का खर्च आता है। ये 2012-13 में प्रति व्यक्ति पर होने वाले 15.8 किलो खाद्य तेल के खर्च से काफ़ी 3.7 किलोग्राम तक ज़्यादा रही। इस आंकड़े से साफ है कि भारत में हर साल कुल 2.6 करोड़ टन खाद्य तेल की ज़रूरत पड़ती है। और देश में संचित क्षेत्र का रकबा बढ़ाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रमुख है। योजना के तहत चयनित किसानों को डिग्गी एवं फार्म पौंड निर्माण पर सब्सिडी दी जाती है। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत राज्य के किसानों को डिग्गी एवं फार्म पौंड निर्माण पर किसानों को अनुदान दिया जाता है।
कृषि विभाग ने डिग्गियों एवं फार्म पॉन्ड का लंबित भुगतान जारी कर किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे ICNP बीकानेर कार्यालय के अधीन 1126 किसानों का तकनीकी बाधाओं के कारण अटका अनुदान भुगतान भी अब शीघ्र हो जाएगा। राजस्थान के कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने बताया कि जल के समुचित उपयोग एवं सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के लिए नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस साल 6 लाख क्विंटल गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। इस खरीद से प्रदेश के हजारों किसानों को 120 करोड़ रुपए मिलेंगे। बिलासपुर के मजारी में 2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अनाज मंडी के उद्घाटन अवसर पर आयोजित जनसभा में पंचायती राज, ग्रामीण विकास, पशुपालन, कृषि एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बीते साल गेहूं 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया था। इस साल 2015 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जाएगा। अनाज मंडी के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि बीते साल कोरोना काल के बावजूद 3,258 किसानों का गेहूं खरीदा गया और 25.75 करोड़ की राशि इस पर व्यय की गई। इस तरह धान खरीद के लिए 8 केंद्रों से बढ़ाकर 11 केंद्र स्थापित किए गए। इन केंद्रों से 5,837 किसानों का 3 लाख क्विंटल धान खरीदा गया। इस दौरान किसानों को 54 करोड़ रुपए का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस साल उपरोक्त 6 लाख क्विंटल गेहूं खरीद के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ और आतिथ्य मेला आहार शुरू हो गया है। मेले का आयोजन 30 अप्रैल तक होगा। इस 36वें आहार मेले का केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उद्घाटन किया। मेले में 13 देश हिस्सा ले रहे हैं। मेले में खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियां, फार्म और संस्थाएं अपने उत्पाद पेश करेंगी। ये मेला व्यापारी में से व्यापारी B2B श्रेणी का है, जिसमें उत्पाद तैयार करने वाले व्यापारी अपने उत्पादों को बिक्री के लिए व्यापारियों के सामने रखते हैं, जिसके बाद वे उन्हें आम लोगों के बीच बेच सकते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ और आतिथ्य मेला यानी आहार मंगलवार से शुरू हो गया है। ITPO द्वारा आयोजित इस 36वें आहार मेले का केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उद्घाटन किया। 36 आहार इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर बीइंग हेल्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 1 ईयर, वी लॉस्ट अ ईयर बिकॉज़ ऑफ कोविड, बट आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ITPO फॉर क्विकली गेटिंग देयर वर्क इन प्लेस। This is one program that all of us look forward to. It's one of the most awaited B2B events in the food and hospitality industry. करीब 2 साल बाद मेले के शुरू होने से प्रदर्शक काफी उत्साहित हैं। आहार एक बहुत ही अच्छा मंच है। सभी फूड इंडस्ट्री, जो भी होटल रेस्टोरेंट्स कैटरर्स को कैटर करते हैं, सभी उन कंपनीज के लिए आहार इज द बेस्ट मंच। बिकॉज जितने भी विजिटर्स आते हैं, दे आर ऑल पोटेंशियल विजिटर्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज की एंट्री जब पेड होती है तो फ्री वॉक इन्स बहुत कम हो जाता है। एंड हमारी जैसी जितने भी कंपनीज हैं आर शोइंग देयर न्यू डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स। सिंस आपने देखा कोरोना के बाद थिंग्स हैव बिकम डिफरेंट। B2B और B2C का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। पिछले 2 साल से हम सब अपने घरों पे थे, एग्जिबिट नहीं कर पा रहे थे, तो बिजनेस में काफ़ी लॉस हो रहा था। तो ये मौका इस बार ITPO ने हमें दिया, तो हमने कहा इसको गवाएंगे नहीं। चाहे हमने अपनी कैलिबर से छोटा स्टॉल बड़ा स्टॉल कैसे मैनेज करके, हमें था कि इस बार ये एग्जिबिट ज़रूर करना है। मेले में एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ लोग चटकारे लगाते भी नजर आ रहे हैं। तमाम ऐसे प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन फूड लेके आए हैं, जो उसमें जायके के साथ लेके आए हैं। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी बेटर है और काफ़ी एक सर्टन एज है जो नॉन वेज जैसा टेस्ट देगी। अंडा भुर्जी लेके आए हैं सर हम इस बार। वी हैव वंडरफुल क्वालिटी प्रोडक्ट्स। वी आर बेसिकली इनटू सॉसेस व्हिच कैन बी यूज्ड इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्नैक आइटम्स लाइक यू नो सैंडविचेस, बर्गर्स, रोल्स, all those things. Now off late in this ahar we have come up with a new range of product focusing on the dark kitchen and the cloud kitchen concept. 30 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में 13 देशों के 1125 प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। और तलब है कि इससे पहले ये मेला साल 2020 में आयोजित किया गया था, जिसमें 750 प्रदर्शकों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया था। गिरीश निशाना, DD News, दिल्ली। और खेतों में पड़े गेहूं में किसी न किसी कारण से आग लग रही है, जो अब गांव के रहने वाले लोगों के लिए भी मुश्किल बन रही है।
चल रहे तेज हवाओं के चलते आग पर काबू पाना मुश्किल है। आग गांव में लोगों के घरों तक पहुंच रही है। गांव के नजदीक लगी आग से निकल रहे धुएं से लोगों का सांस लेना मुश्किल है। आग की ऊंची ऊंची उठ रही लपटें आग आपको दिख भी रही होंगी। लोगों ने कहा कि 3 घंटे से आग लगी है। आग ने कई गांवों के खेतों में खड़े गेहूं के नार जिससे पशुओं की तूड़ी बनती है उसको राख बना दिया है। आग ने गांव के अंदर तक आ गई है जिसके चलते धुएं के कारण सांस लेना मुश्किल है। आग ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं मौके पर पुलिस ने कहा कि लहरा गागा के एक दर्जन के करीब गांव में भयानक आग लगी हुई है। सुबह होते ही प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे और जायजा लिया जाएगा। सभी का मुआवजा दिया जाएगा। मौके पर पहुंचे मोनक के DSP बलजिंदर सिंह ने बताया कि आग ने खेतों में तो नुकसान किया ही है, इसके साथ साथ गाँव में लोगों के घरों में मौजूद पशुओं का भी बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। संगरूर, सुनाम, मुनक और कई आसपास के इलाकों में फायर ब्रिगेड मौके पर बुलाई गई। आग पर काबू काफी हद तक पा लिया गया है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। उत्तर प्रदेश के किसान भिंडी, तोरी, खीरा, खरबूजा और तरबूज जैसी फसलों में नमी का ध्यान रखे और नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहे। सिंचाई का काम शाम के समय करना है तो दोपहर को पानी देना ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस समय आम में बीटल और दूसरे कीटों की समस्या देखने में आती है। ऐसे में वैज्ञानिक सलाह से कीटनाशकों या फिर नीम के तेल का इस्तेमाल करें। उत्तराखंड में गेहूं की कटाई जल्द से जल्द पूरी कर ले और गन्ने की पछेती बुआई भी कर ले। हमेशा उन्नत किस्म का बीज चुने। ऐसी किस्म जो आपके इलाके की जलवायु के अनुकूल हो। उपचार से पहले गन्ने के बीज को 24 घंटे तक पानी में डुबो कर रखें। इससे अच्छा अंकुरण होगा। उत्तराखंड के धान गेहूं फसल चक्र वाले इलाकों में गेहूं की कटाई के बाद हरी खाद के रूप में ढैंचा या सनई की बुआई का काम करें। आम के फल जब मटर के बराबर हो जाए तो सिंचाई जरूर कर लें। राजस्थान के किसान गेहूं और जौ की कटाई कर ले। कटाई के बाद पुआल को खेतों में ना जलाए बल्कि उन्हें जोत कर मिट्टी में मिला दे। जुताई गहरी करनी है और कुछ दिन के लिए मिट्टी को धूप लगानी है। ऐसा करने से मिट्टी में कीटों के लार्वा, उनके अंडे और खरपतवार के बीज नष्ट हो जाएंगे। इन दिनों भिंडी में माइट का हमला हो सकता है। बचाव के लिए 1.5 से 2 मिलीलीटर इथियन को प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें। राजस्थान के किसान सिंचाई के 12 से 24 घंटों तक तरबूज और खरबूजे की तुड़ाई ना करें। साथ ही इस मौसम में प्याज पर थ्रिप्स का हमला हो सकता है। रोकथाम के लिए वैज्ञानिक सलाह से उचित दवा का इस्तेमाल करें। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। अरहर के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 25 अप्रैल को अरहर का भाव था 5,675 रुपए। 26 अप्रैल को उसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5,675 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं गुजरात की धोराजी मंडी में 26 अप्रैल को उसका भाव रहा 5,505 रुपए, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में 26 अप्रैल को अरहर के सौदे 4,750 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां की खातेगांव मंडी में 25 अप्रैल को अरहर का भाव रहा 5,501 रुपए, जो कि 26 अप्रैल को सिर्फ 1 रुपया गिरकर 5,500 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां की कानपुर मंडी में 25 अप्रैल को अरहर का भाव रहा 6,300 रुपए, जो कि 26 अप्रैल को 50 रुपए बढ़कर 6,350 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 40 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से फरवरी के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश से बीते 11 महीनों के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुँच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी साल कुल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है।
कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ सोयाबीन की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज 1,31,16,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सोयाबीन की उपज 1,26,10,000 टन रही थी। यानी इस साल सोयाबीन की पैदावार में 5,06,000 टन की बढ़त होने की उम्मीद है। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12 लाख टन ज्यादा होने की उम्मीद है। इस साल तिलहन की पैदावार 3,71,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3,59,46,000 टन रही थी। इन दिनों सोयाबीन की आवक कृषि उपज मंडियों में सीमित बनी हुई है। मंगलवार को गिनी चुनी मंडियों में ही सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की धुराजी मंडी में 25 अप्रैल को सोयाबीन का भाव रहा 6,805 रुपए, 26 अप्रैल को उसके भाव में 250 रुपए की बढ़त दर्ज हुई और भाव 7,055 रुपए के स्तर पर पहुँच गया। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की खातेगांव मंडी में सोयाबीन की खरीद स्थिर भाव पर हुई। 25 अप्रैल को यहां सोयाबीन का भाव रहा 7,500 रुपए, 26 अप्रैल को उसका भाव बिना किसी फेर बदल के 7,500 रुपए पर टिका रहा। वहीं राज्य की खुजनेर मंडी में 26 अप्रैल को सोयाबीन की खरीद 7,150 रुपए पर हुई। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में मंगलवार को सोयाबीन का कारोबार 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। तो खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। भारतीय जीवन बीमा निगम का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ 2 मई को प्रमुख निवेशकों के लिए और 4 से 9 मई तक आम लोगों के लिए खुलेगा। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम के सचिव तोहिन कांत पांडे ने बताया कि ये देश में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,367 नए मामले सामने आए। लगातार छठवें दिन दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में संक्रमण दर में गिरावट आई है और ये अभी 4.50% है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 188,40,00,000 से अधिक कोरोना टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 19,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोरोना की रफ्तार देश भर में एक बार फिर तेज होती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 2,563 लोगों ने कोरोना महामारी को मात दी है। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.61% पर आ गया है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.66% है। देश में अभी कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 16,980 है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 30 अप्रैल तक बांग्लादेश और भूटान के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। बांग्लादेश यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमिन से मुलाकात करेंगे। जयशंकर भूटान यात्रा के दौरान राजा जिगमे खेसर नामग्येल वांगचुक और प्रधानमंत्री डॉक्टर लोते छेरिंग से मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के मित्रीगम क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। मारे गए दोनों आतंकवादियों की पहचान स्थानीय नागरिक एजाज हाफिज और शहीद अयूब के रूप में हुई है। बुधवार को प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू किए गए पीएम स्वनिधि योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, जिसमें पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को अब बढ़कर 8,100 करोड़ कर दिया गया है। इससे शहरी भारत के 1.2 करोड़ लोगों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को मंजूरी प्रदान की। ये परियोजना में 197.5 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और परियोजना के लिए 4,526.12 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
इसके साथ ही कैबिनेट ने भारतीय डाक भुगतान बैंक के लिए 820 करोड़ रुपए के वित्तीय समर्थन को मंजूरी दे दी है। तो साथ ही वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट और डेटा सेवाओं में सुधार के लिए 2G मोबाइल सेवाओं को 4G में अपग्रेड करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड परियोजना को मंजूरी दी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही, अनुमति दें, नमस्कार।